मेंसुरेशन का पार्ट 27 उदाहरण लास्ट उदाहरण है। इसके बाद एक्सरसाइज प्रारंभ होता है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इसके बाद डाटा दिया है, यहां तक चित्र बनेगा। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। तो लंब वृत्तीय शंकु का अर्थ हो गया सिर्फ शंकु। लंब वृत्तीय शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है, सेटिंग किया हुआ है। तो पहले अर्धगोला का चित्र बनाएंगे। ये अर्धगोला हो गया जिसका केंद्र ओ है। ए बी व्यास हो गया, ओ बी त्रिज्या, ओ ए बी त्रिज्या होगा ना। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, तो पहले अर्धगोला बनाएंगे जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। देखो चित्र कैसे बनेगा। सी ए बी एक शंकु लग रहा है और ओ केंद्र वाला ये अर्धगोला लग रहा है। इस अर्धगोले पर एक लंब वृत्तीय का अर्थ हुआ शंकु का वृत्ताकार भाग और गोले का वृत्ताकार भाग एक समान है। अर्थात गोले की जितनी गोले का जितना व्यास है उतना ही व्यास शंकु के वृत्ताकार भाग का है। समझ गया ना। लंब वृत्तीय, अब यहाँ से शंकु की ऊंचाई अगर निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा केंद्र पर, ये 90 डिग्री होगा। तो एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है, तो इतना ही को भाषा में कैसे लिखेंगे। माना कि वो केंद्र वाला एक अर्धगोला है जिसका व्यास ए बी है। तो पहले मान लेंगे अर्धगोला, वो केंद्र वाला एक अर्धगोला है जिसका व्यास ए बी है। पुनः दिया हुआ है जिस पर यानी अर्धगोले पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है।
देखो यहाँ तक का चित्र एवं कैसे लिखेंगे, यहाँ तक का माना कि ओ केंद्र वाला एक अर्धगोला है, पहले अर्धगोला माने जिसका व्यास ए बी है तो ए बी व्यास हो गया, तथा अर्धगोले के ऊपर यानी इस अर्धगोले के ऊपर एक लंब वृत्तीय शंकु सी ए बी आरोपित है। लंब वृत्तीय ये लंब हो गया, ये वृत्ताकार रहता है ना एक सिरा, तो शंकु को लंब वृत्तीय शंकु हम लोग बोलते हैं, तो लंब वृत्तीय शंकु सी ए बी आरोपित है यानी सेट किया हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की सिर्फ ऊंचाई, ये हुआ शंकु की ऊंचाई, पूरा नहीं होगा, पूरा तो खिलौना का ऊंचाई हो जाएगा, तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा, सी ओ होगा। दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई सी ओ, इसे एच कहेंगे, इसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर 2 cm, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। शंकु का आधार कौन सा हुआ, ए बी होगा ना, वृत्ताकार आधार, तो वृत्ताकार आधार का व्यास ए बी, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 4/2 2 cm। कितना तक समझा, अब कह रहा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, इसमें 2 आंसर मांग रहा है। पहला, ये जो खिलौना है इसका आयतन निर्धारित कीजिए, कितना आयतन है। दूसरा, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, तो ये वाला पार्ट जो है ना, पहले या इसका आंसर देखो, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए यहाँ तक, फिर दूसरे पार्ट का चर्चा इसके बाद, तो इसको पहले तुम लोग उतारो। कह रहा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, इस खिलौने का आयतन निकालना है, निकल जाएगा, क्या होगा आयतन बोलो तो, शंकु का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल जोर अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन आयतन निकालना है कि खिलौने का आयतन। हाँ, तो अर्धगोला का आयतन जोर शंकु का आयतन बराबर संपूर्ण खिलौने का आयतन, सिंपल सी बात है। Thank you.
अर्ध गोलाकार तन बोलो 4/3π r³। देखो ऐसे याद रखना, आधा गोला का आयतन तो पूरा गोला का आयतन होता है 4/3π r³। इसका आधा करेंगे 1/2 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 1/2 आधा से गुना करते हैं ना जी। जैसे 50 का आधा तो 50 × 1/2 कट गया 25, 25 × 1 = 25, 50 का आधा 25 होता है। तो आधा करने पर ये 4/3 अब पाई आर क्यूब है ना गुने 1/2 तो ये 2 × 2 = 4, यानी 4 के बदला 2/3 कह सकते हो डायरेक्ट, 2/3π r³ होगा। इसमें ही कम है। तो अर्ध गोला का आयतन हो गया 2/3π r³ 1/3π r² अब इसमें कॉमन क्या है ये देख लो। शंकु की ऊंचाई कॉमन हो गया, 3 कॉमन है नीचे वाला है ना, एक बटा 3 है कॉमन, π r³ है, π r² है, इसका मतलब π r² कॉमन है। इधर क्या 2 बच गया, r बच गया 2r प्लस 1/3 कॉमन आ गया, π r² निकल चुका है, एच बच गया। अब 1/3 पाई का मान कह रहा है 3.14 ले, तो 3.14 आर का मान हो गया, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो त्रिज्या आधा 2 सेंटीमीटर, तो r² यानी 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। अब कोस 2r तो 2r का मान 2 cm प्लस h तो ऊंचाई हो गया तुमको, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये शंकु का आयतन है तो ऊंचाई शंकु का होगा 2 सेंटीमीटर। कटने वाला कुछ नहीं है इसमें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 16, 2 अंक के बाद दशमलव / 3, cm वर्ग cm, ठीक है जी। 2 × 2 = 4, 4 को इससे गुना करोगे 1256, 2 अंक के बाद दशमलव / 3 वर्ग cm, पोस्ट में हो गया 2 × 2 = 4 cm, जोर 2 cm। ये हो गया, कटेगा नहीं कटेगा, 12.56/3 वर्ग cm गुने 4 cm 2 cm 6 cm, 3 × 2 = 6, तो 12.56 वर्ग cm गुने 2 cm, तो अंक को गुना करोगे 1256 × 2 = 24, 2512 होगा, ये 2 से गुना करने पर 56 × 2 = 112, तो 2512, 2 अंक के बाद दशमलव, वर्ग cm में cm गुना होगा तो घन cm होगा ना,
ये हो गया आंसर, किसका आंसर? तो खिलौने का संपूर्ण आयतन हो गया 25.12 घन cm। ये तो इजी है। मेंसुरेशन कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, बोलो तो लग रहा है ना। ज्योमेट्री भी देखा ही है। ये दोनों इंडिया का भारी सब्जेक्ट मैथ में माना जाता है। इसको उतार लो और तब इसके बाद दूसरा पार्ट। साहब का दूसरा पार्ट यहाँ से, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत मतलब चारों ओर, कौन सी? तो लंब वृत्तीय बेलन, बेलन के पहले लंब वृत्तीय इसीलिए जोर दिया है। तो कोई भी बेलन बनाओगे ना, लंब वृत्तीय बेलन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका दोनों सिरा वृत्ताकार है, इसलिए वृत्तीय लंब। मतलब ये लंब लग रहा है व्यास पर, ये भी लंब लग रहा है व्यास पर, और केंद्र को केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी लंब होगा, इसीलिए दे दिया है लंब वृत्तीय बेलन। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं समझना, ठीक है? तो इस बेलन को उठा करके इसके ऊपर इस तरह से रख दिया जाए, कहता है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत यानी चारों ओर हो। ये कहाँ है ये बेलन वाली आकृति? यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, तो परिगत मतलब चारों तरफ। अब ये लंब वृत्तीय बेलन है, इसको खिलौना इस ढंग से रख दो, ये खिलौना इसके भीतर आ जाए। तो खिलौना इसके बेलनाकार आकृति के चारों ओर रहेगा ना, मतलब खिलौना के चारों ओर ये बेलन रहेगा। परिगत मतलब चारों ओर, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, चारों ओर हो, तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आकृति जो बनेगी, नई आकृति, देखो इसको बेलन के अंदर देना है। तो कैसे चित्र बनाओगे सीखो।
समझा इसको, ये लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के चारों ओर परिगत हो गया, तो इसमें कह रहा है इस बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे, खिलौने का आयतन निकला हुआ है, तो बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन घटा देंगे, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल बात है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन मीन्स बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान बोल रहा है 3.14 लेने के लिए आर रेडियस हो गया बेलन का, तो बेलन का रेडियस या त्रिज्या और ये अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का व्यास डायमीटर, अर्धगोला का डायमीटर और इस बेलन का डायमीटर तीनों एक ही होगा। ये समझा? तीनों का डायमीटर एक होगा तो तीनों का त्रिज्या भी एक ही होगा, तो त्रिज्या कितना होगा? यही ओ से बी तक, ओ डैश से लेकर के मान लो एम इसको एन, ये ओ डैश एम बराबर ओ बी, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या तो दिया हुआ है, व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। देखो यहां आर बराबर 2 cm, एच बराबर 3 cm इसको मिला देंगे, अर्धगोला त्रिज्या प्लस यानी सी ओ डैश है, ये सी ओ डैश कितना होगा? शंकु की ऊंचाई सी ओ जो ये क्या होगा, ये हो गया अर्धगोला का त्रिज्या, ओ डैश बराबर ओ बी बराबर ओ ए होगा, तो सी ओ डैश बराबर सी ओ जोर ओ ओ डैश। सीओ शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई 2 cm और ये त्रिज्या, त्रिज्या भी हो गया व्यास 4 cm, तो त्रिज्या 2 cm यानी 2 2 4 cm हो गया बेलन की ऊंचाई। समझा ना इसको? अब मान रख देंगे 3.14 आर स्क्वायर, आर का मान हो गया 2 cm, तो 2 cm का स्क्वायर गुने एच वन माने हैं बेलन की ऊंचाई, एच त्रिज्या, एच था ये शंकु की ऊंचाई, इसलिए थोड़ा अंतर करके एच डैश बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकला 4 cm, तो 4 cm। अब कैलकुलेट कर लो 3.14 2 cm का स्क्वायर का मतलब 2 × 4 वर्ग cm गुने 4 cm, ये हो गया 1256। दो अंक के बाद दशमलव, वर्ग cm
गुने 4cm बराबर 12 × 48 56 × 112 × 224 यानी 5024 दो अंक के बाद दशमलव वर्ग सीएम सीएम को गुना करेंगे घन सीएम तो ये निकला तुमको बेलन का आयतन और कह रहा है बेलन के आयतन एवं बेलन बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए दोनों का अंतर बेलन के आयतन में खिलौने का आयतन घटा दो ये हो गया बेलन का आयतन तुमको कितना निकला है 50.24 घन सीएम खिलौना का देखो तो कितना निकला था 25.12 घन सीएम ये घटाने पर कितना हो गया वो हो गया 25 कितना ही होगा 25.12 25 से 12 50 से 24 होगा ना 25.12 घनश्याम दोनों का अंतर है तो ये कमजोर हिसाब है इसमें कोई जान नहीं है समझा इसको बोलो तो अब अगले पार्ट में बतलाएंगे अगला हिसाब